हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लेक्चर्स. दिस इज पार्ट टू ऑफ टॉपिक इज मैटर अराउंड अस प्योर. हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था दैट हमारे अराउंड जो मैटर होता है वो एज मिक्सचर्स भी एग्जिस्ट करता है, इन विच दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर लाइक सॉल्यूशंस. हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, देन वी डिस्कस्ड अबाउट सस्पेंशन एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट कोलॉइड्स. हमने इन सब की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी जिसको कि हम टेबुलेट फॉर्म में भी बाद में देखेंगे. इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस सेपरेशन टेक्निक कि जो मिक्सचर्स होते हैं उनके वेरियस कॉम्पोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. एक चीज जो मैंने बताया था दैट दे आर वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर्स. मिक्सचर्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. अब इन पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए कुछ सेपरेशन टेक्निक्स जो हम यूज कर सकते हैं दे आर लाइक इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमैटोग्राफी. इसके अलावा और टेक्निक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इवेपोरेशन क्या होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं. जैसे हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कॉम्पोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. अगर आपको ब्लू ब्लैक इंक से कलर्ड कंपोनेंट अलग करना है तो आप किस प्रोसेस को यूज करोगे. तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड वो एक्सपेरिमेंट होगा यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस वी आर यूजिंग. इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बीकर लेते हैं जिसमें हम वाटर भर लेते हैं. दिस इज अ बीकर. और एक वॉच ग्लास, दिस इज वॉच ग्लास, एक प्लेट की तरह, जैसे शीशे की प्लेट होती है छोटी, बीकर के माउथ के साइज ताकि उसे कवर कर ले, उसके ऊपर हम उस डाई को रखते हैं. ओके, उस इंक को हम रखते हैं. इसमें हमने उस इंक को रखा है एंड हम इस वाटर को, जो बीकर में वाटर है उसको हम हीट करेंगे. वी आर हीटिंग इट. हमने देखा था कि जब भी हम हीट करते हैं लिक्विड को तो वेपर्स बनते हैं एंड प्रोसेस ऑफ हीटिंग से क्या प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन प्रोसेस हमने डिटेल में अपने चैप्टर में मैटर इन आर सराउंडिंग्स ये प्रोसेस हमने डिस्कस किया था. यू कैन सी दैट वीडियो, द लिंक इज गिवन अबव. एंड जब हम हीटिंग कर रहे हैं, बिकॉज हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम हीटिंग कर रहे हैं तो वी विल सी दैट यहाँ पे कुछ ऊपर वेपर्स जो हैं वो बनते हैं, वेपर्स उड़ते हुए नजर आएंगे. और एक टाइम आएगा जब वॉच ग्लास में जो अमाउंट होगा इंक का जो हमने डाला था, जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा और यहाँ पे एक पैच सा नजर आएगा और उसका जो कंपोनेंट जो होगा लिक्विड कंपोनेंट वो सारा उड़ गया होगा. वो कैसे उड़ गया, वो उड़ गया बिकॉज ऑफ दी इवेपोरेशन. तो हमारा ऑब्जर्वेशन यही है कि इंक, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वॉटर. इंक जो कॉम्पोनेंट है इंक, इट इज मेड अप ऑफ जो डाई, जैसे अगर ब्लू इंक है तो ब्लू डाई, उस कंपोनेंट को वाटर में मिक्स किया जाता है टू मेक इंक. और जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो दिस कंपोनेंट वाटर जो होता है ये इवेपोरेट हो जाता है एज वाटर वेपर. हीटिंग से ये इवेपोरेट हो जाता है और जो आपकी वॉच ग्लास में, दिस इज द वॉच ग्लास, सपोज वॉच ग्लास में एक पैच, कलर्ड पैच सा रह जाता है, वो क्या बच जाता है, वो बच जाता है डाई. सो वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कॉम्पोनेंट. वोलेटाइल कॉम्पोनेंट क्या होता है, वोलेटाइल कॉम्पोनेंट होता है जो उड़ जाता है ऑन हीटिंग, जो वोलेटाइल होता है ऑन हीटिंग. यहाँ पे क्या है, दिस इज इंक. इंक हमने कहा इंक इज अ मिक्सचर. मिक्सचर ऑफ वॉट, मिक्सचर ऑफ वॉटर एंड डाई. तो डाई इज सॉल्यूट हेयर एंड वॉटर जो आपका है वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट, दैट इज सॉल्वेंट. तो वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट है यहाँ पे सॉल्वेंट, वो उड़ जाता है फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल, जो नहीं उड़ता हीटिंग पे, दैट इज सॉल्यूट. एंड वॉट इज सॉल्यूट हेयर, डाई by the method of evaporation. तो क्या किया, जैसे ही हमने मिक्सचर, जो कि मिक्सचर है यहाँ पे, कौन सा मिक्सचर है, इंक का मिक्सचर है, उसको हमने हीट प्रोवाइड किया, दिस इज साइन ऑफ हीट. तो इवेपोरेशन होगा जिसमें
मिक्सचर जो डाई प्लस वाटर यानी कि इंक जो है, इसमें डाई नॉन वॉलेटाइल है, ये तो नहीं उड़ेगा हीटिंग पे। वॉलेटाइल कंपोनेंट जो होता है वो उड़ जाता है, वॉलेटाइल कंपोनेंट वो उड़ जाएगा एंड इसीलिए वाटर जो होगा वो उड़ जाएगा एज स्टीम। ठीक है, वाटर जो है वो उड़ जाएगा एज स्टीम। सो दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन। सो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था टू सेपरेट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे उस प्रोसेस के लिए हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है वो है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। नाउ द अदर टेक्निक फॉर दिस वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट दैट हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। जैसे क्रीम होती है उसको हम मिल्क से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो मिल्क हमने पढ़ा है कि मिल्क इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट, जिसमें से एक कॉम्पोनेंट है जैसे फैट, फैट इन वाटर। तो अगर आपको फैट को अलग करना है, जैसे कि मार्केट में आजकल काफी टाइप के मिल्क अवेलेबल हैं, फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन, इस टाइप के मिल्क में जो क्रीम का अमाउंट होता है वो अलग होता है। तो जब हम घर में भी मिल्क में से क्रीम सेपरेट करते हैं, जिसके लिए आप लेडल यूज करते हो, मिल्क चर्नर यूज करते हो, तो वो प्रोसेस किस के ऊपर बेस्ड है, उसका प्रिंसिपल क्या है एंड उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन This process can be used to separate cream from the milk. What we do, हम एक test tube लेते हैं, उसमें हम milk भर देते हैं and इस test tube को अब हम एक machine में रखेंगे, एक device में रखेंगे, जिसे हम कहते हैं centrifuge. इस machine में क्या होता है, जैसे ये test tube में milk भरा हुआ है, ये test tubes को इसमें रख के ये device spin करती है, ओके, एंड इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स व्हाट हैपन, क्रीम सेपरेट आउट हो जाती है मिल्क से एंड जो मिल्क हमें मिलता है जिसमें क्रीम नहीं है, जिसमें क्रीम सेपरेट आउट हो गई है, हम उसे क्या कहते हैं, स्किम मिल्क, दैट इज नोन एज स्किम्ड मिल्क। इसीलिए हम टोन मिल्क और स्किम्ड मिल्क बोल देते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि उसमें से क्रीम को सेपरेट आउट कर दिया गया है विद द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें स्पिनिंग प्रोसेस यूज होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स यूज होता है टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। व्हाट हैपेंस, ऑब्जर्वेशन ये है कि समटाइम्स कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते। एक प्रोसेस हमने लास्ट चैप्टर में किया था, दैट प्रोसेस वॉज नोन एज फिल्ट्रेशन, ओके। उसमें हम क्या करते हैं, अगर लिक्विड में जैसे सैंड डिजॉल्व है तो कुछ भी इस तरह से कि फिल्टर पेपर जिसमें पोर्स होते हैं, अगर आपके डिजॉल्व पार्टिकल्स का साइज इन पोर्स से बड़ा है तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा फिल्टर पेपर से, तो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो इतने छोटे होते हैं कि वो इस फिल्टर पेपर के पोर्स में से पास कर जाते हैं, यानी कि छननी में से वो गिर जाते हैं, जो उनके होल्स होते हैं उनसे भी वो सॉलिड पार्टिकल, डिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल इतने छोटे होते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को अलग करने के लिए जो फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। सेंट्रीफ्यूगेशन ही इन पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकता है। प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, वो ये है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं दे आर फोर्स्ड टू बॉटम, जब स्पिन हो रहा है, जब स्पिनिंग प्रोसेस हो रहा है, तो जो डेंसर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं एंड लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो टॉप पे आ जाते हैं जब स्पिनिंग प्रोसेस होता है। तो डेंसर पार्टिकल्स वो नीचे चले जाते हैं एंड लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। देन एप्लीकेशन क्या है इन सब प्रोसेसेस की, जैसे दे आर यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक वहाँ यूज होती है फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। देन ऑल्सो इन डेरीज, जैसे कि हमने बात किया, घर में भी जो हम मदानी यूज करते हैं और चर्नर यूज करते हैं, जैसे आपने अब घर पे देखा होगा किस तरह से क्रीम को सेपरेट किया जाता है, बटर फ्रॉम द मिल्क सेपरेट किया जाता है, तो फॉर दैट वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस।
इसके अलावा वॉशिंग मशीन में स्पिनिंग प्रोसेस होता है जिसमें वाटर सेपरेट आउट हो जाता है फ्रॉम वेट क्लोथ्स, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं उनमें भी ये प्रोसेस यूज होता है जिसमें वेट क्लोथ्स में से वाटर को सेपरेट किया जाता है एंड दैट प्रोसेस यूज इज सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक के लिए जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो है हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो है इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब होता है जो मिक्स प्रॉपरली नहीं होता, मिक्स नहीं हो रहा, दैट इज नोन एज इमिसिबल, मिक्स नहीं हो रहा। जैसे कि ऑयल इन वाटर, ऑयल प्लस वाटर, आपने देखा होगा जब भी वाटर में ऑयल डालो तो ऑयल ऊपर तैरता है उसके ऊपर, तो ऑयल इन वाटर इट इज इमिसिबल। सो फॉर दैट व्हाट एक्सपेरिमेंट वी डू दिस एक्सपेरिमेंट। इस प्रोसेस में वी आर यूजिंग दिस इज सेपरेटिंग फनल, दिस इज सेपरेटिंग फनल। अब इस सेपरेटिंग फनल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे केरोसिन ऑयल एंड वाटर यूज कर रहे हैं, हम इसको पोर कर देते हैं और एक स्टॉप कॉक से, यानी कि यहाँ नीचे ये फ्लो आउट ना हो इसको रोकने के लिए स्टॉप कॉक की हेल्प से हम इसे बंद कर देते हैं। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, वी लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, कि हम इसे एज इट इज कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। विद टाइम व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि ऑयल का एक लेयर ऊपर बन जाएगा एंड वाटर नीचे आ जाएगा। एंड रीजन क्या होता है कि ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर, एंड इसी वजह से, जो ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही ऑयल ऊपर बन जाती है एक लेयर एंड वाटर नीचे आ जाता है, बिकॉज वाटर इज मोर डेंसर, वाटर ज़्यादा डेंसर होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी डिफरेंस ये दोनों लेयर्स आपस में सेपरेट आउट होती है। फिर जब हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से ये लेयर सेपरेट होती है, हम एक यहाँ पे बीकर लगाएंगे, ठीक है, एक यहाँ पे बीकर लगाएंगे एंड इस स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, ठीक, एंड यहाँ पे वाटर भर जाएगा, ठीक। एंड जैसे ही ये लेयर जो है ये डिस्टिंक्ट होंगी, आपस में अलग नजर आ रही होंगी, जैसे ही ये पूरा वाटर इस बीकर में भर गया वैसे ही हम स्टॉप कॉक बंद कर देंगे एंड ऑयल जो है वो अलग फनल में रह जाएगा जिसको हम दूसरे बीकर में निकाल सकते हैं। सो विद दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। एंड इस प्रोसेस को, जो सेपरेटिंग फनल के प्रोसेस को, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, लाइक टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑयल एंड वाटर जो हमने डिस्कस किया, देन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर स्लैग जो होता है दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। अब टॉप, जैसे ऑयल ऊपर इकट्ठा हो गया है, अलग हो गया है, आप ऊपर से उसे अलग कर सकते हो। To leave the molten iron at the bottom in the furnace. और ये separation जो होता है इसका principle क्या है, that immiscible liquid they separate out in layer depending on their densities. जो lighter होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो denser होगा, जो heavier होगा वो नीचे बैठ जाएगा. So ये different layers को हम इस तरह से with the help of separating funnel अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। फॉर दिस प्रोसेस हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन में क्या है कि हमें पता है कि कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑन हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड देन अगेन बैक फ्रॉम गैस टू सॉलिड, मीन्स सॉलिड टू गैस एंड देन गैस रिकन्वर्ट टू सॉलिड। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन एंड दिस प्रोसेस से ही हम ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है जो डायरेक्टली सब्लाइम होता है, अगर हम इसमें से इम्प्योरिटीज हटाना चाहते हैं तो अमोनियम क्लोराइड तो डायरेक्टली सब्लाइम हो जाएगा लेकिन इम्प्योरिटी सब्लाइम नहीं होगी, तो वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हियर। हम एक चाइना डिश लेते हैं, उसमें अमोनियम क्लोराइड रखते हैं
एंड देन उसे हीट करते हैं और एक इन्वर्टेड फनल जिसे हम ऊपर से कॉटन प्लग से बंद कर देते हैं ताकि वेपर्स जो बनेंगे अमोनियम क्लोराइड के वो एक्सपेल आउट ना हो। तो इन्वर्टेड फनल हमने ऊपर रख दी है, हीटिंग कर रहे हैं, ये अमोनियम क्लोराइड वेपर्स हैं। व्हाट हैपेंस, अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग विल सबलाइम और एक वेपर से बन जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के, और वो इन्वर्ट जैसे ही ठंडे होंगे, जैसे फनल का जो ये नेक पोर्शन है ये ठंडा होगा कंपैरिजन टू हेयर, तो यहाँ पे आके ये ठंडे होते रीकन्वर्ट वेपर्स जो है गैशियस स्टेट में, दे विल रीकन्वर्ट टू द सॉलिड स्टेट और यहाँ पे सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड इकट्ठा हो जाएगा और जो बच जाएगा चाइना डिश में वो इम्प्योरिटीज होंगी। इम्प्योरिटीज चाइना डिश में ही रह जाएगी और प्योर फॉर्म का जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो अब आपको फनल के नेक से मिल जाएगा। तो आप इसको स्क्रैच आउट कर सकते हो टू गेट द प्योर फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ऑब्जर्वेशन यही है, अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट ऑन हीटिंग। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन्स सब्लिमेबल वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट लाइक हेयर इज अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी जैसे सॉल्ट इन दिस केस, सब्लिमेशन प्रोसेस used. Some examples of solid which sublime, जो sublime हो जाते हैं, sublime means they directly convert from solid to the gaseous state. Solid to gas state, वो directly जो हो जाते हैं, they are like ammonium chloride, camphor, naphthalene, anthracene. These are all the solids which directly sublime. So this was the process of sublimation in which we can separate the volatile sublimable compound from the non-volatile, non-sublimable impurities. Next experiment is the dye in black ink a single color? Ab hum kaun si technique karne wale hain? We are going to do the process of chromatography here. For this, what experiment we do is the experiment of ink, and we will explain the process of chromatography. हमने अभी अभी ही डिस्कस किया था कि इंक जो है वो एक तरह का मिक्सचर है एंड इसके जो कंपोनेंट हैं, जो सॉल्वेंट पार्ट है वो है वाटर एंड सॉल्यूट पार्ट है वो क्या उनसा है, डाई। तो जो ब्लैक इंक है हमें ये देखना है कि क्या इसमें सिंगल ही कलर है। तो व्हाट वी डू, हम एक फिल्टर पेपर ले लेते हैं, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर, एंड इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन बाय द पेंसिल, और एक इंक हम जैसे ब्लैक इंक है तो इसके ऊपर एक स्पॉट लगा देते हैं एंड वी डिप दिस फिल्टर पेपर इन अ जार। ठीक है, एक वाटर से भरा हुआ टेस्ट ट्यूब और जार हम लेते हैं एंड जो लेवल होना चाहिए वाटर का वो उस लाइन से जहाँ पे इंक स्पॉट है उस लेवल से नीचे होना चाहिए, उस लेवल के ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए। देन व्हाट हैपेंस, फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड ये वाटर ऊपर राइज करेगा। ठीक है, एंड जैसे ही ये राइज करेगा तो इस जो इंक है उसमें कई टाइप की जो सॉल्यूबल डाई होंगी, जो जितनी सॉल्यूबल डाई होगी वाटर में वो उतना ऊपर तक राइज करेगी वाटर के साथ, बिकॉज वाटर इज राइजिंग। जितना वाटर कंटेंट होगा, जो जितनी सॉल्यूबल होगी वो उतनी राइज करेगी। जैसे ही वाटर कंटेंट कम होगा तो उस पर्टिकुलर कलर का सॉल्यूबिलिटी कम हो जाएगी तो वो वहां पे छूट जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आपके कलर स्पॉट्स बन जाएंगे एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोग्राफी। इसके और भी हाई टेक्निक्स हैं, और भी हाई लेवल की क्रोमैटोग्राफी है जो एट दिस लेवल ऑफ क्लास 9 ज़रूरी नहीं है, वो हायर क्लासेस में पढ़ी जाती हैं। सो ऑब्जर्वेशन इज लाइक द इंक दैट वी यूज हैज अ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड डाई इज सॉल्यूबल इन इट। So as the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles अपने साथ, because dye is soluble in water. Already ink कैसे बना है, when dye is soluble in water.
यूजली डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स का मिक्सचर होगा। अगर आपने देखा होगा जैसे हम कोई भी कपड़ा डाई जब करवाते हैं तो दे यूज मल्टीपल कलर्स टू ब्रिंग आउट अ कलर। कोई पर्टिकुलर कलर बनाने के लिए काफी सारे कलर्स को मिक्स किया जाता है। तो सिमिलरली चाहे आप फाउंटेन पेन की इंक लोगे या स्केच पेन की इंक लोगे तो वो मल्टीपल कलर्स, एक कलर बनाने के लिए मल्टीपल कलर्स यूज होते हैं। तो इन मल्टीपल कलर्स को सेपरेट करने के लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। The colored component that is more soluble in water, they rises faster and in this way the color gets separated. तो जितना जो soluble होगा वो उतना water के साथ ऊपर जाएगा। And the process of separation of component of a mixture is known as chromatography. Chroma means color. And this technique was first used for the separation of colors, so the name was given as chromatography. So overall principle hai that solute that dissolves in the solvent. This is the principle jo solubility ke upar ye principle ye chromatography depend karti hai. So what are the various application of this process of chromatography? We can separate colors in dye, जो experiment हम already कर चुके हैं. Similarly, we can separate pigments from the natural colors and drugs from the blood as well with the help of chromatography. So these are the applications of chromatography. So these were all the techniques. Few more techniques we will discuss in our next video. That's all for this video. Thank you very much.